तो आपको माननी है, इतने स्टार्स और किसी भी अवार्ड में नहीं आते जितना SRK के ओके अवार्ड्स में। आइए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि SRK के ओके अवार्ड्स में कौन कौन से स्टार्स ने एंट्री मारी। SRK के ओके अवार्ड्स में दीदी और ताई पहली बार एक साथ, वाह वाह वाह। बेटा तुम कब नहाए थे आखिरी बार? आज सुबह ही ना आया था। अगली बार पानी से नहाना। बेटा यो कौन था इनमें से? यो आहा, यो तो गाओ फिर गाओ। आफ्टर बॉडी के भी बात पार्टी जब हो जाती है, मेरी कैट जागती रहती है और सारी दुनिया सो जाती है। यो यो हो यो। एक काम कर, टोपी उतार, चश्मा उतार, पानी ले, मुँह मार, आँख खोल, पेटी ले, रियाज कर, कर ना। क्या गाने हो गए आजकल के भाई SRK। जी जी। हमारे समय में होते थे किशोर दादा, रफी दादा, और आजकल के गाने सुनो तो पता ही नहीं चलता कि कौन नर है और कौन मादा। दीदी आप बोल रही हैं कुछ ज्यादा, अब मुझे लगता है कि आजकल के गाने बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं गा पाता। अरे क्या मुश्किल है, कोई भी गा सकता है, बहुत आसान है। ओह मैंने क्षमा करी दीदी, आप तो सब कुछ गा सकती है। अरे मिक्का यो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गाने दीदी नहीं गा सकती? अभी गा के सुनाएंगी तुमसे बढ़िया। दीदी चलो बाकी बताओ। मुझे को राउंड घुमा के अन्ना सा चश्मा लगा के, ओ लूंगी डांस लूंगी लूंगी डांस। खाना शुरू कर दिया तूने, सुअर जैसे बाल उगाए सर पे। सुअर जैसा नहीं है, चश्मा उतार के देखो, ये भेड़ के बाल है। अरे भेड़ की आवाज भी वैसी होगी। मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरे पापा है ना, एक्चुअली आई एम वेरी क्लोज टू माय डैड, हिज नेम इज गुड्डू, माय नेम इज जुगू, मेरे सर पे बाल उनके सर पे बाल ही नहीं है। इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन। ओह माय गॉड, ये तो वही है जिसने कई लड़कों को सिखाई है प्यार की भाषा, जिसका नाम है विपाशा। वेलकम विपाशा। तो विपाशा कैसी हो तुम? अलोन। ओ ऐसा मत कहो। तो बिट्स मैं तुमको 3 सिचुएशंस दूंगा और उन सिचुएशंस पे तुमको अलग अलग एक्सप्रेशंस देने। तुम्हें एक इम्पॉसिबल न्यूज मिलती है, जैसे कि क्रिएचर 3D ने 200 करोड़ कमा ली, उसका एक्सप्रेशन। रेडी? एक्सप्रेशन दे तो रही हूँ। ओके। हमने सुना कि यहाँ पर नैन मटक्का हो रहा है, तो हम सोचे नैन तो हमारे भी कम नशीले नहीं है, हम भी कर लें थोड़ी सी। नहीं देखो भाई, तुम गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ रोमांस सिर्फ मैं करूंगा। क्यों तुम करोगे बे? देखो तुम मान जाओ। नहीं मैं कह रहा हूँ मान जाओ। नहीं बे प्लीज मान जाओ। नहीं बे मान जाओ। नहीं बे, इस शो का एंकर मैं हूँ। हाँ इसलिए मैं मान जाता हूँ फिर, ठीक है। ज्यादा रोमांस करोगे नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही तुम्हें प्यार से टच कर लूं। मुझे मौत से
किसी को रोमांस करना नहीं आता भाई यहाँ पे? किसी को नहीं आता, तुमको आता है क्या? और नहीं तो क्या, हमने किया था लंच बॉक्स में। अच्छा, इन लोगों को भी देखनी चाहिए, किसी ने देखी नहीं है यहाँ पर लंच बॉक्स? देखिए, शाबाश, सीखो इस लड़की से, तुम लोगों को देखनी चाहिए। अरे मैं दिखा देती हूँ, ये देखो लंच बॉक्स, सब देख लो, सब देखो, सब देखो। जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए नहीं, मोहिनी के लिए इन्होंने डांस किया है। हाँ मोहिनी, तुम यहाँ पे बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में क्या कर रही हो? अरे इन लोगों का रोमांसिंग का टेस्ट है ना, तो लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, ये लड़की भैया बात बिल्कुल उचित कह रही है। लड़की सामने होती है तो रोमांस करना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। आपको तो पता है थोड़ा की ज्यादा। ऐसी बात है कि बात यह है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम तब होती तो तुम भी होती, वो होती तो वो भी होती, तीसरी होती तो तीसरी भी चल जाती, चौथी होती तो चौथी भी चल जाती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि रणवीर नाराज हो जाएगा। तो रॉन्ग नंबर हुई गवार। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, औरत के सिर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। दीपा हद में रहना मेरे साथ, ये सिंदूर सिंदूर किसको बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो सिंदूर सिंदूर? डोंट ट्राई दिस विथ मी, वो रणबीर के साथ करना, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं। लेकिन ऐसा के ओके अवार्ड्स में आए सभी सितारों ने भी हमें बताया कुछ सनसनी सीक्रेट्स। ओके हिमेश, सबसे पहले आप। कौन सा बताऊं? हाँ, मैंने अपने करियर में एक गाना कॉपी करके बनाया था। इसने सारे गाने कॉपी किए हुए हैं, एक आधा ही गाना होगा जो कॉपी नहीं किया हुआ। तो अपना काम कर, माइक फेंक के मारूंगा। भाई मैं बताता हूँ, मैंने राखी को किस नहीं की थी। कुछ भी नहीं, मेरी बात तो सुनो, वो बर्थडे पे आई थी, उसने केक खाया, चेरी फंस गई और मैं मुंह से निकालते निकालते टाइम लग गया। इतना मोटा काम? नो 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 नो। ओके आमिर, आप ये बताइए कि आपने पीके के पोस्टर का आइडिया कहीं से चुराया है? नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर में तो आया था वो जिसका पोस्टर आपने कॉपी किया था, वो भी लगाई हुई थी फोटो वहाँ पे। हाँ लेकिन वो मैंने पहले देखा नहीं था। देखा नहीं था तो फिर ये पोस्टर का आइडिया आया कहाँ से? हम लोग राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे और बड़ी गर्मी थी, और इतनी गर्मी थी कि मैं बिना कपड़े पहने रेलवे लाइन के किनारे पहुंच गया, फ्रेश होने के लिए। टाइम पास के लिए मैं अपने पास रेडियो भी ले गया था और फ्रेश हो ही रहा था, इतनी देर में एक देशभक्ति की एक गीत उस पे आ गई रेडियो पे, और रिस्पेक्ट में मैं यार खड़ा हो गया। तभी यार किसी ने यार वो फोटो खींच के पोस्टर बना दी यार। क्या ये सच है कि एंटरटेनमेंट में आपने कुत्ते का रोल कटवा दिया क्योंकि आप इनसिक्योर फील कर रहे थे? मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी एक्टर का रोल नहीं कट करवाया। अरे जब किसी एक्टर का रोल नहीं काटा तो कुत्ते का रोल क्यों काटा? रोल वोल नहीं काटा मैंने, बदला लिया। बदला कैसे, कैसे लिया बदला? हुआ क्या, वो जो कुत्ता था ना, उसने मेरे को काट दिया 3 बार। अब मैंने कहा मैं तो इसको काट दे सकता। कुत्ते को कैसे काटोगे? कॉमन सेंस यूज करते हो, छोटी छोटी बातें, इसलिए तुमने उसका रोल काट दिया। हाँ बिल्कुल सही। करण, क्या ये बात सही है कि तुम शादी करना चाहते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। नो, लाइट चेंज हो गई, सायरन बज गया। तुम शादी 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 कर रहे हो? एक्चुअली सी ओके अवार्ड्स पे नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। एक तो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं? मैं 3 महीने के तीर्थ यात्रा पे जा सकती हूँ।
हाँ वो करेक्ट है, करेक्ट है यार, वो तो जाएगी ना, उसकी पिक्चरें भगवान के भरोसे जो चलती हैं। तो तेरी पी के भी भगवान भरोसे ही चल रही है। कहते हैं